व्हाट्सअप गाइज, बेजर वेलकम बैक टू माई चैनल पीयूष गेमिंग। तो गाइज, मैं पबजी मोबाइल में एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पबजी मोबाइल के टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो गाइज, अगर आप लोगों के वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। बहुत अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स है, 11 टिप्स एंड ट्रिक्स है। और देख सकते हो, अभी हमें जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में, वहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में दो है, और बाकी की हमारे कोचिंग के स्क्वाड है उसमें, वहाँ पे आपको लेना है WM M4 AR कौन सी भी ले सकते हो, लेकिन AWM लेना ही है। और जब मैंने मार्क किया है, वहाँ पे आप लोगों को जाना है, और वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को वहाँ से लेना है सब कुछ, स्कोप वगैरह। और देख सकते हो, मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे आपको जाना है, और यहाँ से आपको एम की जो प्रैक्टिस है वो ठीक से करनी है, बंदों को कैसे मारते हैं। देखो, टिप नंबर 1, इसमें हमें एम की प्रैक्टिस लेनी है, मतलब कि एम हमें ठीक से हमारा करना है। AWM से हमें एक एक शॉट लेना है, दूर के बंदे को जब भागता हुआ बंदा होगा तो मार नहीं सकते, तो ऐसे घूम कर मारना है और सिर्फ हिलते रहना है हर बार। देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, आप लोगों को कुछ इसी तरह से करना है। रम पर पे 6x लगा के पूरा स्प्रे मार देना है, ज़्यादातर गोलियाँ उस पर लगनी चाहिए, एक दो गोलियाँ वहाँ पे पीछे पत्थर पे मतलब कि पहाड़ी पर लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, सिंगल पे करने के बाद वहाँ पे टैप टैप आपको करते रहना है, तो सिंगल पे दूर बंदा होगा तो उसको मारने में मतलब कि अच्छे हमें तकलीफ नहीं होगी कुछ भी। और भी मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाई आप लोगों को, देखो आप लोग ये वीडियो। AWM से शॉट लेने की कोशिश करनी है, स्नाइपिंग भी आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बता देना कि स्नाइपिंग के ऊपर भी मैं एक टॉपिक का एक वीडियो बनाऊँ क्या। और चलो अभी देखते हैं जो कोचिंग की में जो स्काउट हाउस है साइड में, जो बस वाला, वहाँ पे देखते हैं हमारी टिप। देख सकते हो, नहीं आप पहले हो है मूव एंड फायर, आप लोगों का टिप नंबर 2 है मूव एंड फायर। यहाँ पे देख सकते हो, पहले आपको जॉयस्टिक टू ऐसे यहाँ पे इस जगह पे आना है, और ऐसे आपको घूमते रहना है, क्रॉस हेयर को आपका जो क्रॉस हेयर है पहला उसको, फिर उसके राइट में घुमाते जाना है, और बाद में फायर करना शुरू कर देना है सारे। देख सकते हो अभी मूव करते करते हमें फायर करना है, इससे आपकी मूव एंड फायर की ट्रिक भी मतलब कि हम टिप भी वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, आपका एम भी अच्छा हो जाएगा। मेरे पहली वाले ट्रिक से आपका एम अच्छा होगा, दूसरी वाली ट्रिक से आपकी मूव एंड फायर अच्छी होगी। मैंने बहुत बार चिकन डिनर लिया है मूव एंड फायर करके, लास्ट जोन में बहुत ही मतलब कि अच्छा है। अगर ले टू लाल हो गए, स्नेक गैंग हो गई, तो उनको मार देना है, उसको भी आप लोग मार सकते हो। मैं जंप एंड मूव एंड फायर का भी मैं आप बनाने वाला हूँ, तो देख सकते हो आप लोग ये है। और यहाँ से आप लोग को स्नाइपिंग है, वहाँ पे जो दूर पे जो शॉट देख रहे हैं उन पर आपको स्नाइपिंग लेने की कोशिश करनी है, कि 250 वाला वहाँ पे 300 वाला वहाँ पे लेनी है। अभी देखते हैं जो पचिंग की वाला जो स्क्वाड हाउस है वहाँ की टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है टिप। तो देख सकते हो ये आप लोगों को ये दिख रहा है वेयर हाउस है, जहाँ पे देख सकते हो मैंने मार किया है टिप नंबर 3। आप लोग देख सकते हो, आप लोग अगर स्क्वाड अगर वहाँ पे कैंप कर रही है तो आप लोग डायरेक्ट उसको बैक से सरप्राइज कैसे कर सकते हो। ये जो बस है उसका जो टायर है उसके ऊपर आप लोगों को चढ़ जाना है। देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, देख सकते हो अभी, देख सकते हो मैं बस पर चढ़ गया, और बस के चढ़ने के बाद मैं वहाँ पर ऊपर आपको जाना है। पहले एक दो बार नहीं होगा, बाद में हो जाएगा। देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे कॉर्नर में आप लोगों को जंप करना है, डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर ऊपर आ जाओगे और डायरेक्टली उनको सरप्राइज अटैक पीछे से दे देना है, आखिर पूरी की पूरी स्क्वाड आप लोगों को मार सकते हो। ये है हमारी तीसरी ट्रिक। अभी देखते हैं चौथी ट्रिक। अभी जब लोग आप मेरे जो ट्रिक से अगर आप लोग ऊपर आओगे तो आप लोग देखो टिप नंबर 4, वहाँ पर आप लोग अगर यहाँ इस वाले रूम में अगर बंदे कैंप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको आना है, और यहाँ से वो आगे वाले रेलिंग पर है वो जो आपको जंप कर देना है। देखो मैं पहले बार मैं नीचे गिर गया था, ऐसा होता है गाइस, आप लोग भी करके देखो। देखो आप लोग यहाँ पे आना है, गन अगर लगे है तो पीछे रख सकते हो। देख सकते हो वहाँ पे जाना है और गन हाथ में लेकर पीछे से सरप्राइज अटैक करके उन दोनों को डायरेक्टली उन सबको मार देना है। पूरी की पूरी स्क्वाड यहाँ पे कैंप कर रही होगी तो उनको मार डाल सकते हो आप लोग। आप अकेले अगर बंदे हो तो भी आप लोग पूरी स्क्वाड को मार सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे। और अगर यहाँ पे भी बंदे हैं तो यहाँ पे रीलिंग से चलकर आगे जाके यहाँ पर भी मार सकते हो। तो अभी देखते हैं हमारी अगली टिप। तो अगर आप लोगों के ऊपर रश हो रहा है पूरी की पूरी स्क्वाड का,
देख सकते टिप नंबर 5, यहाँ पर आप लोगों को आना है इस छोटे बालकनी में और यहाँ से पिक लेना है और मार देना है सारे बंदों को। मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सी विंडो है। देखो अगर आप लोग सपोज अगर आप रश कर रहे हो, देखो ऐसे डायरेक्टली बंदे, देखो वो वाली विंडो है जहाँ पर मैंने मार किया है, उस विंडो से हम लोग मारने वाले, कोई भी देखता नहीं उस विंडो में, डायरेक्टली आप अंदर घुस जाता है। ये अगली ए वाली हमारी 5वीं टिप्स। आप लोगों को अच्छे लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार वीडियो को। और अगली जो छठी ट्रिक है आप लोग देख सकते हो अभी, अगर वहाँ ऊपर आप छत पर बंदे हैं, टिप नंबर 6 है, ऊपर अगर छत पर बंदे हैं तो आप लोग यहाँ पे आओ, सिर्फ जंप करना है आपको। जंप देख सकते हो अभी, जंप करके आप लोग उनकी लोकेशन देख लो और लोकेशन देखने के बाद वहाँ पे डायरेक्टली रश करके, आपको लोकेशन तो पता है, डायरेक्टली वहाँ पे जाके फ्री फायर दे के डायरेक्टली उनको मार सकते हो, देख सकते हो। अभी अगली हमारी टिप क्या करना है, ऐसा सपोज आप लोग अगर बाहर से अगर आप लोग इस वाले स्क्वाड हाउस पे अगर रश कर रहे हो और आपको पता है कि बंदे सीढ़ियों पे कैंप कर रहे होंगे, तो प्लीज़ एक नेड वगैरह निकालना है। और मेरे पास स्मोक था इसलिए मैंने स्मोक निकाला। यहाँ से आपको टिक्स डालना है, मेरा तो बाहर गिर गया था, आपको टिक्स डालना है और बंदे डायरेक्टली वहाँ पे नॉक हो जाएंगे, पक्का गारंटी है। एक बार ट्राई तो करके देखो गाइस टिप। यहाँ पे सारे बंदे वहाँ पे जो स्टूडियो पे जो कैंप करते हो गए, देख सकते हो ये छोटी वाली विंडो है ना, वहाँ से ये देख सकते हो यहाँ पर बंदे बैठेंगे, वो नॉक हो जाएंगे। तो अगली टिप है हमारी 8 नंबर की, ये देख सकते हो आप लोग छोटी सी अलमारी है ना, इसके आप लोगों को पीछे गन पीछे रख कर आपको बैठ जाना है, कोई भी आप लोगों को देख सक नहीं सकता। अगर आपके ऊपर रश होगा तो कोई भी नहीं देख सकता। मेरे पास दूसरा गेम प्ले नहीं है यार वो सामने वाला, नहीं तो मैं भी आप लोगों को दिखा देता, मैं अकेला ही यहाँ पे घूम रहा था, मेरे टीममेट कई और थे, मुझे वीडियो बनाना था, देख सकते हो वहाँ पर आप लोग छुप सकते हो। और अगली जो टिप है आप लोग देखो, आप लोग जब भी आप लोग यहाँ पे कैंप करोगे तो नीचे वाले फ्लोर पर यहाँ पर कैंप करना, ये बहुत ही मतलब कि अच्छा है। और अगली टिप, अगर आप लोग को डायरेक्ट ऊपर रश करना है वहाँ पे जो है 10 नंबर की, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, दरवाज़ा खोलना है और दरवाजे को ऊपर से जाना है लेज ग्रैप यूज़ करके, देख सकते हो लेज ग्रैप यूज़ करके, और डायरेक्टली ऊपर वन को डाल पीछे से सरप्राइज अटैक कर देना है मस्त वाला। सारे लोग मतलब कि सारी स्क्वाड अगर यहाँ पे होगी, देख सकते हो यहाँ पे सारे मर जाएंगे आप लोग देखो। और अगली वाली जो ट्रिप है वो टिप है वो आप लोग अगर आपके स्क्वाड के अगर अकेले बंदे बचे हो तो यहाँ पे आओ, ये दरवाज़ा है उस दरवाजे को पूरा तोड़ दो और यहाँ पे पिक लेकर स्कोप में एक डॉट होगा तो लगा कर यहाँ पर बैठ जाओ। बाद में मेरे इस वाले मैच में मैंने मुझे मुझ पर स्क्वाड ने रश कर दिया था, 3 लोग थे। अभी देखना कार है, देखो सोचते हो कार आ चुके है, इसी स्क्वाड ने मुझे मार दिया था, 2 नॉक कर दिए थे मैंने। तो गाइस यही आज की इस वीडियो में, अगर आप लोगों के वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। यू गाइस आर ऑसम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।